तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गोल्डबर ने किस रेसलर को हराने से किया था मना, और रिडल ने क्यों कहा कि मैं अर्शद थोरा से कभी दोस्त नहीं बन सकते, और किस प्रोजेक्ट से डेनियल वैन को WWE ने आउट कर दिया था, और रोमन रेंस की समर स्लैम ओपोनेंट रिवील हो गया है, और बेली की इंजरी पर अपडेट है। गाइस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गोल्डबर्न के बारे में। गोल्डबर्न एक ऐसे सुपरस्टार जिनको मैचेस हारना पसंद नहीं है, और जब भी आते हैं उनको WWE चैंपियनशिप थमा देती है। तो साल 2003 में कंपनी रोडनी मैक को अनडिफेटेड बुक कर रही थी वाइट वॉश चैलेंज के तहत, और उन्होंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स को हराया भी था, लेकिन गोल्डबर्न के ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने उनको हराया था और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। लेकिन शुरुआत में गोल्डबर्न ऐसा नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो इसमें उनको ना हराए, लेकिन कंपनी ने उन पर दबाव बनाया जिसके कारण गोल्डबर्न को उस मैच को जीतना पड़ा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि रिडल एंड सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच कुछ समय से कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और रिडल ने बेकी लिंच के बारे में कुछ कहा भी था, जिसके कारण इन दोनों बीच रियल लाइफ में दुश्मनी भी हो गई थी। लेकिन रिडल ने एक हाल ही में इंटरव्यू दिया जहाँ पर उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच साल 2020 के सर्वर सीरीज में बात हुई, और इन दोनों के बीच झगड़ा भी खत्म हो गया, लेकिन रिडल ने कहा कि ये दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन पाएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग डेनियल ब्रायन के बारे में। तो डेनियल ब्रायन रोमन से हारने के बाद से हमें WWE नजर नहीं आ रहे, अब फैंस उसका रिटर्न का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जहां पर बताया गया है कि WWE उनको एक प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था जिसमें डेनियल ब्रायन थे। अभी तक ये तो नहीं पता वो किस चीज़ का प्रोजेक्ट था या किसके खिलाफ मैच होने वाला था, लेकिन WWE ने उस प्रोजेक्ट से डेनियल ब्रायन को बाहर कर दिया था, और हो सकता है इसी कारण डेनियल ब्रायन हमें WWE में अभी नजर भी ना। तो अब हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के समर स्लैम के ओपोनेंट के बारे में। तो रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं कि हमें समर स्लैम में रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक तरफ न्यूज ये भी है कि जॉन सीना का मूवी की शूटिंग होने वाला है अगस्त के महीने में, और वो इसलिए रोमन रेंस मैच नहीं लड़। लेकिन डेव मेल्जर की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमें इन दोनों के बीच मैच देखने को जरूर मिलेगा, और जॉन सीना अपना टाइम निकालकर जरूर ही रोमन रेंस से फाइट लड़ने को आएंगे। ऐसा हुआ तो हम फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं वीडियो को फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि बेली से रिलेटेड। तो बेली को परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करते हुए इंजरी हो गई, जिसके कारण अब वो कंपनी से 9 महीने के लिए ब्रेक पर गए, और उनको इंजरी के कारण वो कंप्लीट भी नहीं कर पाएगी, और बियंका बेलेयर के साथ होने वाले मैच में वो बाहर भी हो गई। अब ये देखना होगा कि WWE बेली का रिप्लेसमेंट किसको ढूंढती है। तो गाइस वीडियो में तक थी, आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।